मित्रों नमस्कार, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य में। आइए आगे बढ़ते हैं ध्यान के कुछ अन्य प्रयोगों में। आत्मज्ञान का निश्चय और निष्क्रिय ध्यान, या आप कह सकते हैं आत्मभाव, यह सारा संसार, ये मानवता, यह परिवेश जो चारों तरफ है, सब कुछ हमारा माना हुआ सत्य है। इस माने हुए सत्य को जाने हुए अर्थात अनुभूत सत्य में रूपांतरण की जो प्रक्रिया है उसी का नाम ध्यान है, समाधि है, आत्म साक्षात्कार है, यानी कि साधना की विधि है। हमने एक निश्चात्मक बुद्धि से ये मान लिया है कि मैं व्यापारी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, फिर मेरे द्वारा वही भूमिका निभाई जाएगी एवं उसी के अनुरूप कर्म किया जाएगा। अगर मैंने स्वयं को अध्यापक निश्चित कर लिया है तो मेरा संपूर्ण कर्तव्य अध्यापक का ही होगा, और यही मूलभूत रूप से हमारे द्वारा चूक या गलती हो रही है कि मैं अमुक व्यक्ति, पुत्र श्री अमुक व्यक्ति, एक शरीर, इस प्रकार के रंग व रूप का, इस जाति व समाज का, अपनी आजीविका या कर्तव्य रूप से घर बाहर यह भूमिका निभाते हुए मुझे जीना व आखिर मरना है। मगर यह बहुत ऊपरी स्तर की बात है, हमें कुछ गहरे और फिर अंतिम रूप से गहराई में उतरना पड़ेगा और स्वयं को एक आत्म स्वरूप, एक दिव्य ज्योति, ईश्वर अंश, अविनाशी स्वरूप मानना पड़ेगा। वह इसी धारणा के साथ पूर्ण मनोयोग से बाहर की परतों से, परिवेश से, फिर शरीर से और फिर और अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। जीवन में भी हमने अमुक व्यक्ति को भाई, पिता या माता या किसी धर्म विशेष का माना, वह धीरे धीरे उसे जानकर वास्तविकता को अंगीकार किया है, वही हमारा वास्तविक ज्ञान या अनुभूत सत्य कहलाता है, क्योंकि यह हमने अनुभव किया है। हमारा यह जो ध्यान या इससे पूर्व की जो ये धारणा, ये एक घंटे का जो अभ्यास है, ये दिन के 23 घंटों पर छा जाना चाहिए। अब हमें चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य और व्यवहार करते हुए इसी निश्चय में स्थित होना पड़ेगा कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं कल्याणकारी, सुखदाता, शांतिदाता, उस सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ जो कि ज्योति स्वरूप है, उस परम पिता की मैं भी ज्योति स्वरूप संतान हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं मात्र यह शरीर नहीं हूँ, यह शरीर तो मेरा रथ है और आत्मा इस पर रथी है, अर्थात सवार है। इसलिए ही जब
शरीर से मृत्यु उपरांत आत्मा निकल जाती है तो आम भाषा में इसे अरथी कहा जाता है, अर्थात अब रथी नदारद है, अर्थात रथी अब उसके ऊपर नहीं है। पतंजलि योग दर्शन में भी धारणा ध्यान से पूर्व का अंग है। उपरोक्त भी जो कुछ हमने समझा वह सब निष्क्रिय ध्यान के लिए एक सकारात्मक सोच मात्र है, वह उसकी आधारभूत भूमिका भी है। अब हम एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान और अपने एक चुने हुए आसन जो हमें प्रत्येक ध्यान की क्रिया में इन्हें एक रूप से या कह सकते हैं कि कॉमन है, स्थान, समय और अपना आसन, इस पर बैठकर अपने शरीर को बाहरी परिवेश से हटाकर शरीर पर अपने विचारों को और शरीर की परिधि से स्वयं के केंद्र की तरफ लौटने का प्रयास करते हैं। शरीर को तनाव रहित व श्वासों को शिथिल और शिथिल करते जाते हैं। श्वासों के मध्य से ही मन, शरीर और आत्मा के मध्य क्योंकि श्वास एक माध्यम है जो कि मन के द्वारा आत्मा और शरीर के मध्य एक सेतु का कार्य करता है, एक पुल का, एक बांध का कार्य करता है। इसलिए अगर श्वास ठहर जाए या दो श्वासों के मध्य अंतराल स्पष्ट हो जावे तो एक बिजली सी कौंध जाती है। शरीर व मन भी ठहर जाता है, वह हमें आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। शरीर व आत्मा के मध्य पृथकता स्पष्ट हो जाती है। शरीर बाहर लालटेन के गोले की भांति रखा रहता है और आत्मा भीतर लो की भांति प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशित व उज्ज्वल दृष्टा स्वरूप बनकर स्वयं को ही दृश्य रूप में देखती है और एक विस्फोट हो जाता है। इसलिए मृत्यु के समय श्वास के टूटते ही आत्मा का संबंध शरीर से पृथक हो जाता है, मगर ऊपर बताई गई स्थिति एक क्षणिक मृत्यु है जो शरीर में रहते हुए आपको नाशवान शरीर व अमृत आत्मा दोनों के मध्य का फर्क स्पष्ट करती है। अगर यह स्थिति अधिक लंबी खिंच जाती है तो आप निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि साधना की उच्चतम स्थितियों में से एक है। अब आपका अंदर के केंद्र पर मरने का कोई उपाय नहीं रह जाता है, क्योंकि
मरण धर्मा व चैतन्य का अंतर, आपका अपना अनुभव, आप उसके अनुभूत हैं, किसी से सुना पढ़ा या कोई उधार का ज्ञान नहीं है। संतों ने, ज्ञानियों ने इसी स्थिति का वर्णन करते हुए ही कहा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। अर्थात शस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ऐसे आत्मस्वरूप को जाने बिना संसारी का अनुभव, यह ऊपर कहा गया, उपरोक्त कैसे हो सकता है। क्योंकि संसारी मात्र शरीर तक ही है, वह भ्रमित सदैव सोचता है कि शरीर को शस्त्र, अग्नि, जल और वायु, यह सब प्रभावित कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि ज्ञानी के अनुभव का आधार और स्तर बिल्कुल भिन्न है। अतः बिना धारणा के ध्यान में प्रवेश अस्थाई है, वह ध्यान के गहन अनुभव के बिना आत्मज्ञान व अध्यात्म मात्र एक कपोल कल्पना है। क्योंकि जो आपने चखा नहीं है, वह आपका अनुभव कैसे हो सकता है। ध्यान कोई प्रयोगात्मक अनुभव है, अनुभवात्मक अनुभव है, मात्र एक सैद्धांतिक और शास्त्रीय नहीं है। जितनी आपकी श्वासें शिथिल होंगी, उतना ही मन ठहरेगा। मन ठहरेगा अर्थात विचार ठहरेंगे, तो आपको ध्यान घटित होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। मगर श्वास के जबरन रोकने से तो श्वास और तीव्र चलेगी, आपका उद्वेग बढ़ता जाएगा, शांति कदापि घटित नहीं होगी। आपको मन में उपरोक्त सब समझकर अब मात्र दृष्टा भाव, यानी कि श्वासों का दर्शक बनकर बैठना है। बहुत बारीकी से श्वासों को पकड़कर अपने नथुनों पर या नाक के अंदर आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास और रुकती हुई श्वास को देखकर मात्र उसका दर्शक बनना है। आपको तटस्थ बनना है, बहना नहीं है, अर्थात श्वासों की नदी के किनारे आप तट पर स्थित हैं, तट पर स्थित हैं, इसलिए आप तटस्थ हैं और धारा बह रही है, आपको बहना नहीं है। अन्यथा आप विचारों के प्रवाह में बहकर दूर निकल जाएंगे और मन में, उलझनों में, अपनी किस्से कहानियों में, घटनाओं में, भूत भविष्य के विचारों में नए कर्मों का निर्माण कर लेंगे, पुराने
कर्मों की निर्जरा, जिसके लिए ध्यान किया जाता है, वह तो होगी नहीं और आप ध्यान के फायदे से चूक जाएंगे, मात्र एक प्रयास रह जाएगा। ना किसी से मित्रता, ना किसी से शत्रुता, वैर, राग नहीं, द्वेष नहीं, ना प्रेम, ना घृणा, ना किसी हानि लाभ का विचार, और ना ही भूत भविष्य में विचारों को ले जाना, सुखी होना, दुखी होना, मात्र वर्तमान में, मौजूदा क्षण में रहने की कोशिश, मात्र श्वास का दर्शक बनकर मौजूदा क्षण में रहने की कोशिश, मगर यह इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके अलावा साधक के पास कोई रास्ता भी नहीं है। बार बार मन को खींचकर वर्तमान क्षण में लाना, यह भले ही शरीर के तल पर निष्क्रिय ध्यान कहलाता हो, मगर मन के स्तर पर बड़ा द्वंद्व चलेगा। मन सदैव दो अतियों में ही जिंदा रह सकता है, और मन की मृत्यु ही अंतिम मृत्यु है, अंतिम विजय है। हमें या तो मन की दोनों अतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, संकल्प और विकल्प दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, या दोनों को ही त्याग देना पड़ेगा। किसी एक की तरफ झुकते ही मन पुनर्जीवित हो जाएगा। इसे ही अद्वैत कहा है वेदांतियों ने। यही साधक का लक्ष्य है। कबीर जी भी कहते हैं कि मन और माया दोनों एक है, लेकिन इसे साधक एकाएक नहीं समझ पाएगा। एकाएक नहीं समझ सकता है, क्योंकि विद्या कालेन पच्यते, ज्ञान को पचने में, अनुभव में आने में समय लगता है। आपको मात्र श्वास लेनी है और छोड़नी है, लेकिन आपके द्वारा इसमें कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। आज तक भी अगर ये श्वसन का कार्य आपके प्रयासों से या आपके करने से चल रहा होता, तो कभी के आप मर गए होते, क्योंकि मेरी भूलें अनंत हैं और प्रभु आपकी कृपा भी असीम और अनंत है। अतः मुझे मात्र दर्शक की भांति साक्षी बनना है, मात्र श्वासों के प्रति सजग रहना है, उन्हें बिना प्रयास के चलने देना है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, नथनों पे महसूस होती हुई श्वास, नासिका के अंदर महसूस होती हुई श्वास, सजग होते ही, दृष्टा बनते ही, साक्षित्व के जागृत होते ही, दो श्वासों के अंतराल स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। एक बार श्वास बाहर रुकती है और एक बार श्वास अंदर रुकती है। अगर यह स्पष्ट दिखाई दिया, इनका अंतराल स्पष्ट दिखाई दिया, तो एक तेज बिजली सी कौंध जाएगी और मृत्यु घटित होगी। मरने वाला मर जाएगा, और जो अमर है वह इस मृत्यु को देख लेगा। यही ध्यान है।
यही वह है जो हमारा लक्ष्य है। यह मात्र क्षणिक है, लेकिन आप इसके अनुभूत होंगे। यह आपका अनुभूत प्रयोग होगा, भविष्य के लिए आधार होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। फिर अन्य किसी ध्यान विधि की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। ओम शांति शांति शांति।